दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन अब इसके उसके चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और जो लैट का पेपर हुआ है 22/1/2023 को, तो कंप्लीट सॉल्व पेपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को गौर से देखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बरवक्त पहुँचती रहें। अगर इसका PDF चाहिए तो आगे वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, हु वन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड ऑफ PSL 7 इन 2022। 2022 का PSL 7 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसने लिया? द करेक्ट आंसर इज मोहम्मद रिजवान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच सूरा इज कॉल्ड रूसुल कुरान द ब्राइड ऑफ द कुरान। किस सूरत को रूसुल कुरान कहा जाता है? द करेक्ट आंसर है सूरह रहमान को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय। द करेक्ट आंसर इज अरेयांस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टोटल नंबर ऑफ सूरत इन कुरान आर। कुरान पाक में टोटल सूरतों की तादाद कितनी है? द करेक्ट आंसर इज 114। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। जो सोलर सिस्टम है सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज जुपिटर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ओस्लो जो है ये किस मुल्क के कैपिटल का नाम है? द करेक्ट आंसर इज नॉर्वे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टका इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। टका जो है ये किस मुल्क की करेंसी का नाम है? द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच UN बॉडी डील विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम। कौन सी UN बॉडी है जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम को डील करती है? द करेक्ट आंसर इज UNFPA। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1979। किस पाकिस्तानी साइंटिस्ट को फिजिक्स में 1979 में नोबल प्राइज मिला? द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर अब्दुल सलाम। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फेथ यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज द मोटो ऑफ। फेथ यूनिटी और डिसिप्लिन जो है ये किन का मोटो था? द करेक्ट आंसर इज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट एमसीक्यू है, निसाब ऑफ ज़कात, ज़कात की क्या रेशियो है? द करेक्ट आंसर इज 2.5%। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज। अल्लाह ताला के पहले पैगंबर कौन थे? द करेक्ट आंसर इज हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? द करेक्ट आंसर इज हॉकी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द 7th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर में 7th नंबर पे मंथ कौन सा आता है? द करेक्ट आंसर इज रजब। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वन इज नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ की नेचुरल सेटेलाइट कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज मून। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मोहम्मद बिन सलमान बिलोंग टू। मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक किस मुल्क से है? द करेक्ट आंसर इज सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सलात कसूफ इज परफॉर्म एट द ओकेजन ऑफ। सलात कसूफ जो है ये कब पढ़ी जाती है? द करेक्ट आंसर इज लूनर इलिप्स पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हजरत हमजा रज़ी तआला अन्हु इज डैश ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत हमजा क्या ताल्लुक था? द करेक्ट आंसर इज अंकल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, निकाहट के मैनी क्या हैं? द करेक्ट आंसर इज कमजोरी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कदम की जमा क्या है? द करेक्ट आंसर इज इकदाम। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कदर की जमा क्या है? द करेक्ट आंसर इज अकदार। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हुक्म की जमा क्या है? हुक्म की जमा अहकाम है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हकीम की जमा क्या है? हकीम की जमा हुक्मा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मुल्क की जमा क्या होगी? द करेक्ट आंसर इज ममालिक। आगे नेक्स्ट जो था पर्सनल स्टेटमेंट, ये जो थी हैव यू एवर हेल्प्ड समवन, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? तो ये जो था ये पर्सनल स्टेटमेंट था। और इसका जो PDF है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे WhatsApp के ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट जो था एसे, एसे का जो टॉपिक था एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है इसके क्या फ़वाद हैं हमारी ज़िंदगी या आजकल के दौर में, तो ये आपने एक ऐसे लिखना था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।
और इसका जो PDF है वो वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।